होंडा लॉन्च करने वाली है एक ऐसा इलेक्ट्रिक कार जिसका नाम है माइक्रो कम्यूटर। जापान के कार निर्माता कंपनी होंडा ने 2011 के टोक्यो मोटर शो से अपने इलेक्ट्रिक माइक्रो कम्यूटर की दूसरे प्रोटोटाइप शो में पेश किया था। दोस्तों, छोटी सी दिखने वाली कार काफी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से लैस है और यह कार आपकी दिन भर की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। दोस्तों, यह कार दिखने में छोटी है लेकिन इसका लुक्स काफी ब्यूटीफुल है। दोस्तों, इस इलेक्ट्रिक कार में आपको एक इलेक्ट्रिक मोटर दिखने को मिलती है और इस कार को पावर देने के लिए 15 kWh की लिथियम आयन बैटरी दी गई है। दोस्तों, बात करें सीटिंग कैपेसिटी की तो इसमें आप एक ड्राइवर और दो लोग आराम से बैठ सकते हैं या फिर पीछे के साइड में दो बच्चियां एक आदमी आराम से बैठ सकता है। डिजाइन की बात करें तो ये एक हैचबैक कार है और जो डिजाइन है वो काफी छोटा रख दिया गया है जो कि यह काफी डिसएडवांस बात हो सकती है। दोस्तों, बात करें स्पीड की तो यह कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है जो कि काफी अच्छा है। अब बात करते हैं कि ये एक बार चार्ज करने पर कितने किलोमीटर तक चल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये एक बार चार्ज करने पर अगर चार्ज करने में 240 वोल्ट का यूज करते हैं तो ये 3 घंटे में चार्ज होकर 60 से 80 किलोमीटर तक का रेंज देती है। क्योंकि ये इंडिया वालों के लिए कम है लेकिन फॉरेन कंट्री के लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, बात करें आगे के डैशबोर्ड की तो इस माइक्रो कम्यूटर डैशबोर्ड एक टैबलेट की तरह दिखता है जिसमें मीटर डिस्प्ले, नेविगेशन, ऑडियो और बैकअप कैमरा डिस्प्ले जैसे फीचर देखने को मिलता है। दोस्तों, इस कार की लंबाई और ऊंचाई की बात करें तो यह कार 98.4 इंच लंबा और 56.9 इंच ऊंचाई है और इसके सामने से इसकी 49.2 इंच चौड़ाई बल्कि चौंकाने वाली है। दोस्तों, कंपनी का कहना है कि इस कार का वेट बाइक से भी कम है। बात करें लॉन्चिंग की तो यह कब लॉन्च हो रही है तो दोस्तों, ये अभी टेस्टिंग प्रोसेस में है और जब तक ये कार टेस्ट हो रही है वहां तक इंतजार करना पड़ेगा। बात करें प्राइस की तो कंपनी का कहना है कि उसकी प्राइस दूसरी गाड़ियों से भी कम यानी काफी रीजनेबल होने वाली है। तो हम यही आशा करते हैं कि इसकी प्राइस 3 से 5 लाख के बीच में हो सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने हमारी चैनल टेकेश्वर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। टेक केयर, बाय।